राष्ट्रवादी कांग्रेस महाआघाड़ी के उम्मीदवार और हमारे मित्र इनकी जीत तो 100% सर इधर देख के बोली क्या मेरी तो वो जीत कोई नहीं रोक सकता। और जो आपने कहा कि लोग बहुत ज्वाइन हो रहे, मैं तो समझ रहा हूँ अभी 5% ज्वाइन हो गए होंगे, 10% ज्वाइन होंगे अभी 5-6 दिन के बाद में, एक हफ्ते के बाद में कुछ पार्टियों का ऐसी नौबत आ जाएंगी कि उनके पास कार्यकर्ता भी नहीं बचेगा, सारे लोग इधर कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस में ज्वाइन हो जाएंगे। और लोगों ने तय कर लिया है किसी हालत में शहर से मध्य से हमारे कलीम मौलाना साहब की जीत कोई भी नहीं रोक सकता, लोगों ने मन में ठान लिया है कि इस टाइम राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस को उम्मीदवार यहाँ से जीतना चाहिए, ऐसा लोगों ने तय कर दिया है और इसको कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। सर अब तक की रैली और कमेटी की जो मीटिंग वगैरह आपने ली है, कॉर्नर मीटिंग वगैरह, तो इसमें आपको कितना समर्थन प्राप्त हो रहा है जनता से? जनता का इतना समर्थन है कि लोग अभी कह रहे हैं कि साहब कब हमारा वोटिंग का दिन आएगा और कब हम वोटिंग को जाएंगे, ऐसा समय लोग बातचीत कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के लोगों ने ये महाराष्ट्र के गरीब लोगों को तंग करके रखा है और जितने भी बड़े लोग होंगे शरद पवार साहब जैसे होंगे कुछ नहीं होते हुए एक संस्था का वो सदस्य नहीं है और पूरे महाराष्ट्र के लिए उन्होंने काम किया है, पूरे गरीब तबका के लिए उन्होंने काम किया है, उनके वजह से आज महाराष्ट्र में कम से कम 2-2.5 करोड़ लोगों को नौकरियां मिली है। और ऐसे इंसान के ऊपर अगर आप इंडी लगाना चाहते हैं तो इसका मतलब पूरे दुनिया ने समझ लिया है, पूरे महाराष्ट्र के लोगों ने समझ लिया है, पूरे मतदाताओं ने समझ लिया है कि इनको हुकुमशाही चला के अपना काम करने का है। लेकिन लोग अभी हुकुमशाही नहीं चलने देंगे और ये महाराष्ट्र की भाजपा की सरकार है उनको इस चुनाव में उखाड़ के फेंक देंगे। अच्छा सर, अभी एक सर कदीम मौलाना साहब से सवाल है कि निवडणूक का खास आपने जो मुद्दा है ये किस मुद्दे को खास लेकर आप लेकर जो है तो जनता तक आ रहे हैं? मुद्दा देखिए भाई, 25 साल से एक ही बात मीडिया वाले पूछ रहे हैं, 25 साल में मैं आपसे सवाल करता हूँ कि औरंगाबाद में क्या डेवलपमेंट हुआ? आप ही का जवाब ये आएगा कि कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। 25 साल में औरंगाबाद को खंडर बनाने का काम किया गया, ना यहाँ रास्ते अच्छे हैं, ना साफ सफाई है, ना पानी का निज़ाम इनका सही है। तो 25 साल से सरकार में रह के ये क्या कर रहे थे, ये सवाल आप उन लोगों से पूछिए जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए हैं। हम तो इनके खिलाफ लड़ाई लड़ ही रहे हैं, ये सवाल आप उन लोगों से पूछिए कि जो लोग आज नौकरी पे नहीं हैं। इन्होंने सत्ता पे आने के बाद ये कहा था कि 2 करोड़ लोगों को हम नौकरी देंगे, 2 करोड़ लोगों को तो नौकरी दे नहीं सके बल्कि और 2 करोड़ लोगों की नौकरी इन्होंने छीन लिया है। हमारा काश्कार यहाँ पर आत्महत्या कर रहा है, उसके माल को भाव नहीं मिलता है, व्यापारी लोगों का कारोबार ठप हो गया, मंदी का ऐसा माहौल ख़राब हो गया है और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिससे वो ध्यान हटाकर वो जातिवादी मुद्दों की तरफ सरकार ले जाना चाहती है, 370 की तरफ ले जाना चाहती है, हिंदू मुसलमान करके ले जाना चाहती है। और MIM जो पार्टी महाराष्ट्र के अंदर में और हिंदुस्तान में जो घूम रही है वो इन्हीं की पिल्लू है और इनकी बी टीम है जो इनको मदद करने का काम कर रही है। ये लोगों के इस मतदार संघ में समझ में आ गया है और इसी औरंगाबाद शहर से अब मैसेज पूरे महाराष्ट्र और हिंदुस्तान में जाएगा कि MIM गो बैक, जहाँ का पार्सल है वहाँ पर वापस। और हमारी लड़ाई सीधा सीधा जो है सेना भाजप के खिलाफ है और उनको चारों मुंडो चित करने का हम काम करेंगे। सबसे पहले विधानसभा आप जीतने के बाद सबसे पहला मुद्दा कौन सा उठाएंगे आप?
मैं सबसे पहले बम्बई नहीं जाऊंगा, हर्सुल और बेरी बाग के अंदर में रोड़ों का उद्घाटन करूंगा और पानी की लाइन के ऊपर पहला काम करूंगा।